काम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन मेरिट बेसिस पे नहीं होगा, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसमें बहुत से बच्चों की ये क्वेरी आई कि कौन से सेशन के लिए वो एप्लीकेबल है। तो देखिए मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको कि ये सेशन जो चल रहा है ये 2020-21 चल रहा है। इसका मतलब कि अगर कोई बच्चा 12th में इस साल है तो वो मेरिट बेसिस पे एडमिशन ले लेगा, लेकिन जो बच्चा 11th में है वो जब पास आउट होके जाएगा तो उसका सेशन लगेगा 2021-22। उस सेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। जो बच्चा अभी 12th में है उसको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो आप दे सकते हो, और जो बच्चा 11th में है वो इस पैटर्न से उस एग्जाम में अपीयर होगा। अभी तक इस एग्जाम का नाम डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन 14 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैं जो इस बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करती हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो नया पैटर्न लाया जाएगा, अभी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सारी यूनिवर्सिटीज के लिए लेकर के आया जाएगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा जो बच्चा इस साल 12th में है और जो बच्चे इस साल 11th में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सारे के सारे जो प्रोफेसर्स हैं और सारे के सारे जो थॉट प्रोसेसर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लाया गया है इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। बच्चे को मल्टीपल टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, बच्चे का टाइम बच जाएगा, बच्चा अगर कहीं कोई रिमोट प्लेसेस में बैठा हुआ है तो भी वो एक एंट्रेंस टेस्ट देके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा। ये वैल्यू बेस्ड ऐड कर देगा और जो मैट रेस है मार्किंग के लिए वो भी खत्म हो जाएगी और फ्री मार्किंग भी कम हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अगर किसी सर्टन टाइम पे बच्चा किसी वजह से एग्जाम नहीं अच्छा गया उसका, तो 2021-22 क्वेश्चन में पहली बार होगा, उसके बाद ये तीन बार, साल में तीन बार ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, तो हर तरह से उसका बेनिफिट है। लेकिन ये तो 2021-22 में जब होगा तब हम देखेंगे। करंट सिनेरियो में देखा जाए तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है जो बच्चा 11th में है। 11th के बच्चे जो इस साल होंगे जब वो एडमिशन लेने जाएंगे तो इस एग्जाम को वो पहली बार लिख रहे होंगे, पहली बार उनके लिए सब कुछ नया होगा। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जो पैनल ने डिसाइड किया हुआ है, जो रिकमेंडेशन कमेटी ने डिसाइड किया हुआ है, उसके हिसाब से तीन टेस्ट आपको देने होंगे, जिसमें पहला है वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यानी ये तीन तो आपको देने ही देने पड़ेंगे। उसके अलावा एक सब्जेक्ट आपकी चॉइस का होगा, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हो सकता है आपको एक सब्जेक्ट मिल जाए, पॉलिटिकल साइंस के लिए मिल जाए, फिजिक्स ऑनर्स के लिए मिल जाए, इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हो तो कोई एक सब्जेक्ट लिया जाएगा। यानी चार पेपर्स के बेसिस पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा जो कुछ यूनिवर्सिटीज पहले से करती चली आ रही हैं। इसका मतलब है जो बच्चा 11th में होगा उसके लिए ये पैटर्न बिल्कुल नया होगा, उसको पहली बार ये फेस करना पड़ेगा। ये हम भी नहीं जानते हैं कि किस तरह का पेपर बनेगा, क्या नाम होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, लेकिन एक चीज तय है, एनटीए जिस तरह से काम करती है, क्योंकि हम एक कोचिंग सेंटर है, हम बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, तो एनटीए के पैटर्न के हिसाब से और डीयू जो एग्जाम कंडक्ट करती है, डीयू का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करती है, ऐसा माना जाएगा कि ये 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 25-25-25 होंगे और 25 क्वेश्चन जो होगा आपका वो आपके जो चॉइस का सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि जैसे ही आप अपना 11th का एग्जाम कंप्लीट करके 12th के लिए प्रोसीड करते हैं तभी से इसकी तैयारी में आप लग जाएं, जिससे कि आप नए तरीके से अपने आप को वाकिफ करा पाएं, यूज्ड टू हो पाएं, हैबिचुएट हो पाएं जो नया पैटर्न है। हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और हम एक स्पेशलाइज्ड यूएटी है, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर है, यूट्यूब चैनल है, तो हम उस तरह से आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं जो बच्चा इस साल 12th में है। जो बच्चा इस साल 12th में है, अगर आप इसी साल एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक साल ड्रॉप करके फिर से पढ़ने जा रहा हूं, तो बेहतर ये है कि ये प्लान आप बिल्कुल निकाल दें और आज से और अभी से जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो डीयू के हैं, चाहे वो किसी भी अदर यूनिवर्सिटीज के हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो चीज आपके लिए बिल्कुल नया होगा, पैटर्न नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट आपको दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है। तो इस बार अगर आप सोच रहे हो कि एक साल ड्रॉप करने का, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें आप, और इसी साल आप जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका इसी साल तैयारी करके इसी साल दे दें, ड्रॉप बिल्कुल ना करें, क्योंकि तब एक बिल्कुल नया पैटर्न होगा और बहुत ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे होंगे, अभी तो कम बच्चे अपीयर हो रहे होंगे। तो 11th के बच्चे एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद प्रिपरेशन में लग जाएं, और जो आप 12th में हो तो इसी साल आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके अप्रिहेंशन है, उनको खत्म करो, क्योंकि अगली बार आपके लिए बिल्कुल नया पैटर्न होगा। गिवन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम सब आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।